गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था आपको इंडिया में कौन कौन तरह का वेदर पाया जाता है सीजन। तो इंडिया में मेनली मानसून सीजन पाया जाता है, यानी सीजन टाइप का वेदर पाया जाता है। किस तरह का वेदर इंडिया में पाया जाता है? सीजन टाइप का। तो सीजन वर्ड आपका ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है कि आपका हर समय पैटर्न मौसम का वेदर का चेंज होता रहता है। सीजन का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम वेदर का पैटर्न चेंज होना। तो इंडिया में सीजन टाइप का वेदर पाया जाता है, यानी कि इंडिया में मेनली तीन तरह का सीजन पाया जाता है, मेनली तीन तरह का। उसके बाद में स्प्रिंग ऑटम हम लोग ऐड करते हैं, बट जो मेनली बेसिक वेदर्स या सीजन्स होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला कोल्ड, दूसरा समर, तीसरा रेनी। और दो हम लोग अपने से ऐड कर लेते हैं जो बीच का, जो इन तीनों सीजन का बीच का जो 30-40 डे का पीरियड होता है उसमें हम लोग स्प्रिंग और ऑटम सीजन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपना पहला वेदर कोल्ड वेदर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला कोल्ड वेदर, जिसको हम लोग विंटर सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विंटर सीजन। तो इंडिया में विंटर सीजन आपका मिड नवंबर से लेके लास्ट फरवरी तक रहता है। कब तक रहता है कोल्ड रीजन, ठंडा का मौसम कब तक रहता है? बीच नवंबर से 15 नवंबर से लेके पूरे लास्ट फरवरी तक आपका ठंड का मौसम रहता है। आप लोग जानते हो कि उस समय ठंड पड़ती है और काफ़ी ठंड पड़ती है। और इंडिया में जो जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है सबसे ठंडा महीना माना जाता है। इंडिया में पूरे साल में जनवरी और फरवरी जो मंथ है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ बोला जाता है। ठीक है, सो इंडिया में मेनली क्या होता है ना, ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। मेनली कोल्ड वेदर्स में होता क्या है, दिन में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है और रात में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाने के कारण तो लोगों को ठंड लगती है। और मेनली ये टेम्परेचर डिक्रीज स्टार्ट होना साउथ से, इंडिया जैसे इंडिया मान लीजिए तो साउथ से नॉर्थ की ओर डिक्रीज होती है टेम्परेचर। किधर से स्टार्ट होता है डिक्रीज होना? साउथ से नॉर्थ। और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसको करती है कोल्ड विंटर सीजन? ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पार्ट को करती है इंडिया के? ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये आपके नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ये कोल्ड विंटर सीजन। कोई भी सीजन होता है ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री करती है, नॉर्थ पार्ट, नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और इस रीजन में ज़्यादा ठंड पड़ती है। लैंड वाले रीजन में आपका ठंडी हवाएं बढ़ती है और ठंडे ठंडे रेनफॉल होते हैं। और जो माउंटेन वाले एरिया वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, बर्फबारी होती है। आप जानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, बर्फ ही गिरता है, स्नोफॉल होती है। और जो आपके लैंड वाले रीजन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना, असम, गुजरात, उड़ीसा झारखंड, इसमें क्या आता रेनफॉल नहीं होता और ठंडी ठंडी हवाएं बहती है और बारिश होती है, ठंडी बारिश होती है, जिसको लोकल रीजन में उस बारिश को क्या बोला जाता है, महावत, क्या बोला जाता है, जो ठंडों में जो बारिश होती है ठंडी ठंडी बारिश होती है, लोकल लैंग्वेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महावत। क्या बोलते हैं उसको? महावत। ठंड के मौसम में बारिश होती है उसको लोकल रीजन में क्या बोलते हैं हम लोग? महावत। जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है किसके लिए? वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके रबी क्रॉप्स के लिए। किसके लिए? रबी क्रॉप्स। जो ठंड में क्रॉप्स उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। तो महावत जो होती है, जो बारिश ठंड में होती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपकी रबी क्रॉप्स के लिए। जैसे बीट, गेहूं की खेती ठंड में की जाती है, बीट की आपको पता होगा, बीट, तो बीट की खेती की जाती है ठंड में, उस रबी क्रॉप में बीट की खेती की जाती है। तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है और किसान लोग काफ़ी खुश होते हैं जब रेनफॉल हो, जब बारिश होती है ठंड के मौसम में, तो जो किसान रबी क्रॉप गेहूं की खेती करते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी फायदेमंद होती है। ठीक है, तो मेनली आपका ये जो कोल्ड रीजन है आपका किस पार्ट को इंडिया का अफेक्ट करता है? आपका नॉर्थ प्लेन और आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को। ठीक है, कोल्ड वेदर का जो कोस्टल स्टेट है हमारे, जो कोस्टल राज्य समुद्र किनारे बसे हुए राज्य है, उस पर वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहाँ का टेम्परेचर एज ए नॉर्मल रहता है पर डे के हिसाब, ना गर्मी का वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है ना ठंडी का इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे समुद्र किनारे बसे हुए शहर है उस पर कोई इफेक्ट आपका कोल्ड विंटर का नहीं पड़ता। जैसे उड़ीसा, कोलकाता, मुंबई का सब भी पार्ट पर नहीं, मुंबई में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ठंड का कोई असर नहीं पड़ता। गोवा, गुजरात का कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर ठंड का इफेक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये कब से कब पड़ता है आपका? मिड नवंबर से लेके फरवरी लास्ट तक। कौन से रीजन में ये इफेक्ट करता है ज़्यादा आपका? नॉर्थन इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडियन और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में करता है। ठीक है, ये कोस्टल रीजन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस इफेक्ट नहीं डालता है कोल्ड रीजन, वहाँ का एटमोसफेयर सेम ही रहता है। इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपको काफ़ी ठंड लगने लगती है। दिन में तो टेम्परेचर कभी
मिनिमम रहता है कि हम लोग टॉलरेट कर ले, पर रात में बहुत ज़्यादा ठंड इस मौसम में हो जाती है, रात काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है। इंडिया में दो मंथ को सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना गया, कौन कौन से वो मंथ है आपके, जनवरी और फरवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हम लोग आते हैं, हॉट वेदर सीजन, जिसको बोलते हैं हम लोग समर सीजन, किसको, गर्मी के मौसम को, जो हमारा अभी प्रेजेंटली चल रहा है, बट ये हॉट सीजन में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग ऑटम में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, ऑटम सीजन, क्या बोलते हैं इसको, ऑटम सीजन, उमस वाली गर्मी, इस वाले में क्या होता है, पेड़ के पत्ते सूखे जाते पीले पीले होकर झड़ते हैं, और उमस वाली गर्मी होती है, क्या होती है, उमस गर्मी होती है, कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं, अभी टेम्परेचर 30-31 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी गर्मी लगती है कि 40-45 डिग्री वाला गर्मी हम लोग को महसूस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें उमस भरी गर्मी होती है, उमस भरी, यानी कि आपको लगेगा नीचे से एवेपोरेट होता है, क्या होता है, अभी धूप हुई, आपका अर्थ हॉट हो गया, फिर बारिश हो गई, तो जब गर्म चीज़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, वेपर निकलता है, और वही गर्म वेपराइजेशन निकलता है ना, तो हम लोग को बॉडी में वो हीट हमारे बॉडी को महसूस करती है, और बोलते हैं कि टेम्परेचर कम होने के कारण इतनी गर्मी है, तो वो उमस वाली गर्मी होती है, क्योंकि वेपराइजेशन के कारण हमें गर्मी लग रही है। ठीक है, तो समर सीजन हमारे इंडिया में किस कब स्टार्ट होता है, मार्च से लेके मई तक, फर्स्ट मार्च से, यानी 1 मार्च से, पहली मार्च की महीना के पहले दिन से मार्च के लेके, और अप्रैल के आखिरी दिन, लास्ट मई तक ये सीजन लाई करता है, उसको उस सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हॉट वेदर सीजन, यानी कि समर सीजन बोलते हैं। ठीक है, इस सीजन में होता है मेनली क्या, आपका जो लैंड एरियाज हैं वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, क्या होते हैं, साइक्लोन आते हैं और वो गर्म हवा ब्लो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गर्म हवा बहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं ना, कि गर्मी के दिन में बाहर निकलोगे तो लू लग जाएगा, बोलते हैं ना घर वाले, कि गर्मी के दिन में बाहर निकलोगे तो आपको लू लग जाएगा, तो ये होता कैसे, लू कैसे बहता है, तो जो प्लेनी रीजन है, जो आपका प्लेन रीजन, जैसे पटना, छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो रीजन है, वो प्लेन रीजन है, पठार रीजन तो नहीं, वो प्लेन रीजन है, लैंड एरिया है, तो उसमें जो साइक्लोन, आपका नॉर्थ वाले पार्ट में जो साइक्लोन होता है, और वेस्ट वाले पार्ट में जो रेगिस्तान डेजर्ट वाला पार्ट है, वहाँ से जो साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, वो हवा काफ़ी तेज़ी बहती हुई आती है, और गर्मी का दिन है तो टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, 45-48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कुछ राज्य में हमारे, तो टेम्परेचर हाई है तो वो हवा क्या होता है, हवा आपका गर्म हवा होती है, और स्ट्रॉन्ग गर्म जो हवा बहती है तो वो बहुत तेज गर्म हवा बहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बह रही है, लू लग जाएगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, तो उसको गर्म हवा जो ब्लो करती है इस पीरियड में प्लेन रीजन में, किसमें, प्लेन रीजन में, जैसे पटना टू छोटा नागपुर का जो रीजन है उसमें लू फ्लो करती है हर समर में, तो समर में मेनली आपका कहाँ से, 1 मार्च से लेकर लास्ट ऑफ मई के बीच में ये लाई करता है, इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, अब कोल्ड में थोड़ा कमता है, पर इतना भी कमता नहीं है कि हम लोग राहत महसूस कर पाए। ठीक है, ये भी इफेक्ट आपका ज़्यादा साउथ वाले पार्ट में पड़ता नहीं है, ये भी इंडिया के साउथ वाले पार्ट में इफेक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है, ये भी किस में पड़ता है आपका, नॉर्थ वाले में, साउथ से नहीं पड़ता, इसलिए नॉर्थ रीजन, इंडिया के ज़्यादा नॉर्थ रीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपका नॉर्थ इंडिया पार्ट वाला जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, जैसे कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इस जगह गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, यहाँ पे बर्फ हमेशा पहाड़ पे जमा हुआ रहता है, इस कारण यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस नहीं करता, वहाँ पे भी मॉडरेट क्लाइमेट बना हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी समुद्र है, नदी है, ओशियन की इन्फ्लुएंस, वहाँ पे भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मॉडरेट क्लाइमेट बना हुआ रहता है, जैसे उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, गुजरात का कुछ पार्ट, जो कोस्टल वाला एरिया है, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब पार्ट में क्या होता है आपका ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मॉडरेट क्लाइमेट बना हुआ रहता है, बट ज़्यादा गर्मी आपका कहाँ पड़ती है, नॉर्थन वाले साइड में, जो प्लेनी एरिया है, पटना से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो एरिया है उसमें ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, ये सब एरिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी में लू बहती है, जो गर्म फ्लो करती है लू बोलती है, और इसमें क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसका भी एक लॉजिक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर की ओर राइज करती है, और कोल्ड हवा नीचे की ओर आती है, तो गर्मी के दिन में जब टेम्परेचर ही एटमॉस्फेयर ही हॉट होगा तो गर्म हवा होगी, और गर्म हवा ऊपर, जिसके कारण क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता है, ये लॉजिक है, सही है, 100% देख लीजिएगा, ये लॉजिक है कि गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, हॉट एयर कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, हॉट एयर कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, कोल्ड एयर नीचे की ओर आती है, तो गर्मी के दिन में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है,
और ठंड के दिन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो अब जब भी बीच बीच में जब मई खत्म होता है और आपका जून स्टार्ट होता है तो बीच बीच में क्या होता है, प्री मानसून और मानसून आने लगते हैं। कौन सा सीजन आने लगता है, मानसून आने लगता है। तो प्री मानसून में क्या होता है, यानी कि मानसून समय से पहले आ गया प्री मानसून, तो उसमें कुछ रेनफॉल होता है, बारिश रेन होती है, जिसको हम लोग एक राहत के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले प्री मानसून कहाँ पर आता है, आपका केरला और कर्नाटका वाले साइड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वहाँ पे एक टेम्परेचर रीजन क्रिएट होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर, क्योंकि लो एयर निकला या कोल्ड एयर वापस हिमालय तरफ से आगे साउथ में ही बनता है ओशियन के टाइप में। तो वहाँ पे जब एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच में, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और प्री मानसून सबसे पहले आपका केरला और कर्नाटका वाले साइड्स में होता है। सो आगे का जो आपका टॉपिक्स रह गया, रेनी सीजन, रेनिंग सीजन और रेनफॉल को क्या क्या इफेक्ट करता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं सभी बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग का सितंबर में 20 सितंबर के बाद मिड टर्म एग्जाम होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पोर्शन आपका जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक उस चैप्टर को छोड़ के जहाँ तक मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है वो सभी चैप्टर आएंगे आपको, सभी को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।